भूत, प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और ना ही प्रोत्साहन करता है। अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियों को सुनने के लिए जुड़े रहिए भूत पास्ता के साथ। उग्र साधना की दिशा में चलने पर ज्ञात होता है कि कतिपय देवताओं की साधना प्रायः उग्र रूप में ही होती आ रही है। ये साधनाएं वीर भाव की साधनाएं होती हैं। इन उग्र साधनाओं में प्रेत से लेकर फेतकारिणी साधनाएं तक आती है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको ब्रह्म राक्षस साधना के बारे में बताया था और अब हम आपको बताने वाले हैं शव साधना। पहले जानते हैं शव साधना के बारे में। शव साधना निर्भर करती है साधक के मनोबल पर। यदि उच्च कोटि के युवा मनुष्य का शव मिल जाए और वो सिद्ध कर लिया जाए तो साधक इस साधना के स्तर तक पहुंच सकता है। परिचय। शव साधना बहुत प्राचीन साधना है। ये त्रेता के उत्तरार्ध से चली आ रही है। ये असल में प्रेत विद्या का ही एक अंग है। देवर्षि नारद और रावण आदि ने भी शव साधनाएं की थी। इस साधना के लिए बलवान आदमी के शव को लाना चाहिए या युवा तांत्रिक के शव को। चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं साधना फल पर। शव की क्रिया यानी कि अंत्योष्टि न होने तक शव का प्रेत शव के आसपास रहता है और साधना से सिद्ध होकर साधक के आसपास रहकर साधक के कार्यों में सहायक होने लगता है। किंतु ये बहुत भयंकर साधना है। बहुत साहसी साधक ही इसे कर पाता है। इसमें जब मरा हुआ मुर्दा बोलता है तो साधक डर जाता है। जानते हैं साधना स्थल के बारे में। शव साधना सूने निर्जन शमशानों में की जानी चाहिए। नदी तट के शमशान, सागर तट के शमशान, पर्वत घाटी के शमशान अथवा सूने जंगली शमशान ही इसके लिए उचित भूमि होते हैं, जहां जरा सी भी मानवीय विघ्न की संभावना ना हो। अन्यथा विघ्न होने से साधक के प्राणों का संकट उत्पन्न हो जाता है। तो दोस्तों, देर किस बात की। जानते हैं साधना विधान के बारे में। दिन ढलने से पूर्व उसी दिन मरे मनुष्य का शव लाकर छिपाकर रख दें। दिन ढलने पर स्नान कर सूने शमशान में शमशानेश्वर का पूजन करें। फिर शव को नहलाकर उसे नए वस्त्र पहनावे, उसका पूजन कर दाल भात पानी रखें। फिर उसके मुंह में आधा बोतल मदिरा उड़ेल दें ताकि उसका पेट भर जावे। फिर शव के मुंह की ओर मुंह कर शव की छाती पर पद्मासन लगा कर बैठ जाएं। तनिक भी ना डरें और बताए गए मंत्र का जप करें। 1000 जप पूरा होने पर एक घूंट मदिरा पिला दें। 4000 पूरा होते वे बोले तो पूरी बोतल पिलाकर वर मांग लें। तो दोस्तों, मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम नमो कलिके शबमन साधय साधय कालिकायै नमः ओम। इस मंत्र का 5 अमावस्या हर बार नए शव पर बैठकर 5000 जप रात भर करना होता है। चलिए दोस्तों, जानते हैं साधना पश्चात क्या करना है। साधना के पश्चात मरे हुए शरीर का प्रेत सदैव आसपास रहने लगता है। उससे जब भी काम लेना हो तो 5 अगरबत्ती जलाकर एक माला बताए गए मंत्र का जप करें। ओम नमो प्रेत राज मम कार्य कुरुतो नमः। कार्य हो जाने पर रात में प्रेत को दाल भात जल और मदिरा देवे, भोजन निर्जन में जाकर देवे। प्रत्येक अमावस पूर्णमासी को भी उसे भोजन देवे तथा उसका पूजन करे, तभी प्रसन्न रहता है। तो दोस्तों, शव साधना आज यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे
मरघट साधना के बारे में। तब तक लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और देखते रहिए भूत पास्ता। यदि आपके पास ऐसी कोई भी आर्टिकल या जानकारी है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, कृपया उसे अपनी फ़ोटो के साथ ईमेल करें। हमारा आईडी है bhootpasta@gmail.com। पसंद आने पर हम उसे आपके नाम और फ़ोटो के साथ यहाँ पब्लिश करेंगे।